की कहानी के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरह राम को वनवास हुआ और सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ गए। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया एवं राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी। क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं? तो आ जाइए, आपको हम इसका पूरा वृतांत बताते हैं। मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शिरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का जन्म हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुभ पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातें को जल्दी जल्दी बताओ। भय ना करो, सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान देकर सुनना। महर्षि के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वह हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका शिव विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली,
श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली मनोहारिणी होगी, भुजाएं घुटनों तक गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करेंगे, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ, जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विशात है, वे जानकी देवी धन है जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहना। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उनके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, वह गर्भिणी है, जब यह बच्चों को जन्म देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, यह मुझको बहुत प्रिय है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है वैसे ही तुझे स्वयं की गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुए और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से विछोह कराने में कारण हुआ और वे वन में गए। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोलो बजरंग बली की जय। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।